नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन घटनाचक्र जीएस पॉइंटर में आज हम बात करेंगे कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, यानी जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी उससे पहले कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी। हम आपको बता दें, घटनाचक्र जीएस पॉइंटर में ये हमारा 8 लेक्चर है। इससे पहले हम 7 क्लास ले चुके हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी को और मजबूती देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। आगे, दी दक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, दी मद्रास महाजन सभा, दी पूना सार्वजनिक सभा, जिसने 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधियों की मांग की थी, इनमें से वो सभा थी द पूना सार्वजनिक सभा। आगे, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? वो थे एस एन बनर्जी, जो कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था वो थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसके संस्थापक थे एस एन बनर्जी। सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आर सी दत्त तथा सुभाष चंद्र बोस में वह नेता जो ब्रिटिश इंडिया सिविल सर्विस से बर्खास्त किए गए थे वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम, जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था, वो था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका 1886 में कांग्रेस की स्थापना के बाद उसमें विलय कर दिया गया था। अगला प्रश्न, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय। राजनीतिक सुधारों को विरोध लेकर करने वाले पहले भारतीय थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सही क्रम, कब कब इन संस्थाओं का स्थापना हुई? सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन की, जिसकी स्थापना की थी, उसके बाद इंडियन लीग की, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन की, और अंत में मद्रास महाजन सभा की। मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी 1884 में, यानी कांग्रेस की स्थापना से 1 वर्ष पूर्व। 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे फिरोज शाह मेहता। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी लंदन में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी लंदन में, और नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी लंदन में। वहीं इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, जिसकी स्थापना एस एन बनर्जी ने की थी। संस्थाओं का सही क्रम, कब कब इनकी स्थापना हुई? सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशिका सभा की, उसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी की, उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की, और अंत में स्थापना हुई थी इंडियन लीग की। ये हम वो संस्थाएं बता रहे हैं जिनकी स्थापना, वो राजनीतिक संस्थाएं बता रहे हैं जिनकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले हो चुकी थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की थी द्वारका नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम्स एडम्स ने। इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी आनंद मोहन बोस ने, और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी एस एन बनर्जी ने। इंडियन लीग की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी आनंद मोहन बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, और यूनाइटेड इंडिया पेट्रियट एसोसिएशन की स्थापना की थी सैयद अहमद खान ने। बात करें, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई थी 1804 में। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी 1823 में। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना द्वारका नाथ टैगोर ने की थी, 1838 में की थी। वहीं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी राधाकांत देव ने। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के टी तेलंग, और इसी से संबंध था फिरोज शाह मेहता का भी इसे संबंध था। सेंट्रल मोमेंटम नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी सैयद अमीर गली, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। हम आपको बता दें, अब हम इसी सेशन में आपको कराते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिन बच्चों को डिटेल से पढ़ना है वो हमारे एसएससी स्पेशल बैच सीईटी में जाके देख सकता है। वहाँ इसी इसी चैनल पर हमने स्टार्ट कर रखा है, उसमें हमने आपको बता रखा है कैसे कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बताते हैं हम इससे संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए ओ होम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक, यानी वो सैनिक जो कि रिटायर हो चुके थे, वो थे ए ओ होम। भारतीय जो कि एक अंग्रेज असैनिक अधिकारी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 यानी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की कितनी संख्या थी? वो थी 72 यानी 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? वो हुआ बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी, यानी वो एम एस चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? वो थे ए ओ होम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस में भारत का वायसराय कौन था, यानी जिस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस वक्त भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? उसका मजाक उड़ाया था उस वक्त जिस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस वक्त भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन ने। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रनाडे तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था, वो नहीं थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादाभाई नौरोजी और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी WC बनर्जी, यानी उमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी के एक समिति की स्थापित की गई। इस समिति के उपसभापति कौन थे? वो थे विलियम डिगबी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और जो जिन्होंने अध्यक्षता की थी तीसरे अधिवेशन में वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? वो थे जॉर्ज यूल, फिरोज शाह मेहता, अकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफर खान और सर सैयद अहमद में से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रखे वो थे सर सैयद अहमद। लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया वो था लाल बाल के तिकड़ी में से बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल और पाल त्रिगुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था वो थे लाला लाजपत राय। सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट तथा विजय लक्ष्मी पंडित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही। इनमें से रही एनी बेसेंट जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। वहीं एग्जामिनर आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर में। वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना वो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में 1917 में, जिसमें पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर में यह अधिवेशन हुआ था। सही कथन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। हाँ, ये सही बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ में 1916 अधिवेशन में एक हुई थी। हाँ, ये सही बात है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ? यह तो बाकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, वो था लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हुए थे। सही कथन। सीआर दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वह जेल में थे। अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये दोनों कथन सही है। कांग्रेस आंदोलन ने तो लोगों द्वारा प्रेरित है, नहीं उसके द्वारा सोचा योजनाबद्ध किया गया है। ये शब्द किसके थे? ये शब्द थे सर सैयद अहमद खान के, जिनका कभी भी कांग्रेस से संबंध नहीं रहा। सॉरी, बता रहे थे आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमने आपको बताया, बताते हैं हम आपको। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। यह कथन किसने कहा था? ये कथन कहे थे लॉर्ड कर्जन ने, जो भारत के वायसराय थे और जिनके दौरान हुआ था बंगाल का विभाजन। अगला प्रश्न, अध्यक्षीय संबोधन के समय
जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो थे सुभाष चंद्र बोस। वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए वो थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया अधिवेशन लिखने के लिए उनका सहयोग हेतु चुना गया था एनसी केलकर और आईबी सेन। अगला प्रश्न, कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया वह गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलिंगटन और यह अधिवेशन हुआ था 1915 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की वो था नागपुर अधिवेशन 1920। कांग्रेस ने पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी वो की थी नागपुर अधिवेशन में। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी वो की थी चित्तरंजन दास यानी सीआर दास ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का सही क्रम है महात्मा गांधी, उसके बाद सरोजिनी नायडू, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वो था बेलगाम अधिवेशन 1924 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और उसके बाद जो अधिवेशन हुआ था उसमें की थी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू जो कि भारत की पहली महिला थी जो कि कांग्रेस का अधिवेशन किया था और इससे पहले जो महिला ने जो अधिवेशन किया था वो एनी बेसेंट थी और भारतीय नहीं थी। आगे, मोतीलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभाओं के स्थान, मोतीलाल नेहरू ने की थी अमृतसर 1919, सरोजिनी नायडू कानपुर 1925, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 बम्बई, अबुल कलाम आजाद रामगढ़ 1940। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया वो था लखनऊ अधिवेशन। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी 1938 और 1939। 1939 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद उन्होंने स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। आगे, डॉक्टर एम ए अंसारी ने अध्यक्षता की थी मद्रास में, पुरुषोत्तम दास टंडन ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की नासिक में, सरोजिनी नायडू ने की थी कानपुर में और सुभाष चंद्र बोस ने की थी हरिपुरा में। हम आपको बता दें सुभाष चंद्र बोस ने की थी हरिपुरा में अध्यक्षता। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे अबुल कलाम आजाद। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जनगणमन पहली बार गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1911 में। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो था अमृतसर अधिवेशन 1919 जिसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। हम आपको बता दें, हमने आपको बताया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पहले हुई संस्थाओं की स्थापना हुई संस्थाओं के बारे में। अब आगे हम बात करेंगे कांग्रेस गरम दल और नरम दल। कल हमारे आज के सेशन इतने, जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू।